कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह हरियाणा के करनाल पहुंचे और सड़क हादसे में घायल अमित के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच राहुल गांधी आज अचानक करनाल के घोघड़ीपुर गांव पहुंच गए। यहां उन्होंने कुछ देर तक अमित के परिजनों से मुलाकात की और फिर रवाना हो गए। आज राहुल जब करनाल पहुंचे तो इसकी जानकारी न तो स्थानीय कांग्रेस नेताओं को थी और न ही पुलिस प्रशासन को। गाँव वाले और अमित के परिजन भी सुबह सुबह राहुल गांधी को अपने बीच पाकर दंग रह गए। टाइम अमरीका में है और उसका एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पे। वहाँ राहुल गांधी जी उनको मिले, वहाँ उनको बोल के आए थे भाई तेरे घर जरूर जा के आएंगे। आज हमारे को बिना बताए अचानक एकदम सुबह 6 बजे आ गए। राहुल गांधी जब अमेरिका गए थे तो वहाँ पर उन्होंने अमित से भी मुलाकात की थी और उनके परिवार से मिलने का वादा भी किया था। अचानक आया हमारे पास अमित, तब बोल के आया था अब मैं आंटी के पास जा के आऊंगा जरूर। हम तो आया का सुंदे उठाए राहुल गांधी ने, उसके बॉडी गार्ड ने सुंदे उठाए, वो तो 5 बजे आ लिए थे, राहुल गांधी आया 6 बजे। अमित अमेरिका में रहते हैं और वहां हुए सड़क हादसे में वो घायल हो गया था। जब अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी को ये पता चला तो वहां उन्होंने अमित से मुलाकात की थी। जमीन के बदले नौकरी मामले में गृह मंत्रालय ने लालू यादव पर केस चलाने की इजाजत दी। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 7 अक्टूबर को पेशी भी होनी है। जमीन के बदले नौकरी मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में गृह मंत्रालय से सीबीआई को लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की इजाजत मिल गई है। सीबीआई ने अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी हासिल करने के लिए 15 दिन का और वक्त मांगा है। सीबीआई ने ये जानकारी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दी है। इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया, यानी कोर्ट ने अब इन तीनों को नौकरी के बदले जमीन मामले में तलब किया है। जमीन के बदले नौकरी मामले में कोर्ट ने 8 आरोपियों को पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए इन आरोपियों को तलब किया है। इन सभी आरोपियों को अगले महीने 7 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि तेज प्रताप यादव भी जमीन के बदले नौकरी मामले में आरोपी हो सकते हैं क्योंकि वे एक इंफोसिस लिमिटेड के निदेशक भी थे। आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने जमीन के बदले नौकरियां दी थी।